हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में, जहां आज हम लेकर आए हैं मार्वल ज़ॉम्बीज़ का अगला पार्ट, जो है डेडपूल पर बेस, जहां पर ज़ॉम्बी डेडपूल और हमारे अर्थ का डेडपूल है। तो ये कॉमिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो फिर इसके मज़े लेने के लिए तैयार हो जाइए और साथ ही साथ हमारे चैनल पर बाकी के कॉमिक्स को भी ऐसा ही सपोर्ट करें, ताकि हम आपके लिए नए नए कॉमिक्स लाते रहे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं एक एम एजेंट डेडपूल को एक स्पेस कैप्सूल में डाल रहा था, जहां पर डेडपूल कह रहा था, रुको मुझे लगता है और भी कोई ऑप्शन होगा। तब वो एम एजेंट कहता है, नहीं हमारे पास टाइम नहीं है और विंडोज अब पोजीशन में आ चुकी है क्लोज करने के लिए। तब अपनी आदत से मजबूर डेडपूल मजाक करते हुए कहता है, रुको तो सही, मैं अपना टूथब्रश भूल चुका हूँ और आतंकवादियों के साथ उसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। लेकिन वो एम एजेंट उस स्पेस कैप्सूल को लॉन्च कर देता है उस स्पेस स्टेशन से, जहाँ पर नीचे जाते हुए डेडपूल कहता है, ये बहुत भयानक होने वाला है और मुझे पता है कि ये मुझे करना ही होगा। तब एक आवाज़ आती है जो कहती है, तुम हमेशा ऐसा ही कहते हो। और इसी के साथ शुरू होता है हमारा फर्स्ट पार्ट, हेड ट्रिप। तब नीचे जाते वक्त डेडपूल उस कैप्सूल में जलने लगता है, जहाँ पर वो कहता है, हमेशा ये हमें मुश्किल तरीके से ही क्यों करना पड़ता है। तब वो आवाज़ कहती है, वो हमें तभी बुलाते हैं जब मुश्किल रास्ता बचा हो। तब वो कहता है, हाँ ये सही है। और जलते हुए वो कहता है, फ्लेम ऑन, जो कि जॉनी स्टॉर्म यानी ह्यूमन टॉर्च कहता है। और वो साथ ही में कहता है, ये सच में बहुत जल रहा है। और वो लैंड होता है सेवेज लैंड में। तब डेडपूल जला हुआ उस स्पेस कैप्सूल से बाहर आता है, जिस पर वहाँ पर एक आदमी आकर पूछता है, तुम कौन हो, तुम लग तो हेल जैसे रहे हो, लेकिन मैं हैरान हूँ कि तुम जिंदा हो। तब मजाक करते हुए डेडपूल कहता है, हेलो, और देखो मैंने अपने हाथ भी ऊपर कर रखे हैं। जिस पर वो आदमी कहता है, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। तब डेडपूल उस पर उसके नाम का मजाक उड़ाने लगता है, लेकिन वो गुस्सा होकर कहता है, मैं हूँ कजार, मैं इस सेवेज लैंड का पहरेदार हूँ और मुझे लगता है तुम अच्छी तरह से खुद को और खुद के काम को और यहाँ आने की वजह को एक्सप्लेन कर पाओगे। तब डेडपूल कहता है, तो फिर रेडी हो जाओ रोमांच साजिश भरी कहानी सुनने के लिए। और वो फ्लैशबैक में सुनाने लगता है 6 घंटे पहले, जहाँ पर डेडपूल कह रहा था, नहीं मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ये 1 मिलियन में कर दूंगा, मैं ये कह रहा हूँ कि 1 मिलियन सिर्फ मिनिमम होगा मुझे इसके बारे में सोचने के लिए, और ये डिपेंड करता है उस काम की डिटेल्स पर। और उसी के साथ मुझे एक फ्रेशेस्ट प्रीमियम ग्रेड हनी चाहिए 4 भरकर, जिस पर एम के साइंटिस्ट उसे वो हनी देने से मना कर देते हैं। तब एम का सब कमांडर कहता है, तो मैं कह रहा था मैं हूँ सब कमांडर एम का, मेरा नाम है कमांडर ब्लेक और इस केस में मैं इंचार्ज हूँ इस ऑपरेशन का। तो बेसिकली ये इंसर्ट और ग्रैब मिशन है, लेकिन कुछ अनयूजुअल पैरामीटर्स की वजह से जो कि मेरे लोगों के कैपेबिलिटी के बाहर है, ये हम नहीं कर सकते। तब डेडपूल कहता है, ट्रांसलेशन, तुम्हारे पीपल मर सकते हैं लेकिन मैं नहीं। तब वो कमांडर कहता है, देखा जाए तो ऐसा कहना लगभग सही तो होगा, लेकिन ये उस जैसा ही समझो। तब सब कमांडर उसे वो मिशन समझाने लगता है, 3 हफ्ते पहले हाइड्रा ने एक बायोवेपन साइंस टीम वहाँ पर भेजी सेवेज लैंड में अटेम्प्ट करने एक नया नेचुरल टॉक्सिन जो वेपनाइज किया जा सके। हमें भी ऐसा ही कुछ मिला था लगभग कुछ साल पहले, वो अमेजोन में था लेकिन वो हम पा नहीं सके। तब वो आवाज़ डेडपूल से कहती है, मुझे लगा ये लोग हाइड्रा है। वो कमांडर आगे कहता है, हमारे पास एक ऑपरेटिव एम्बेडेड है साइंस टीम के साथ, जिन्होंने रिसेंटली सेंड किए हैं कुछ वर्ड्स और वो यहाँ आने की तैयारी में है। तब वो कहता है, ये सब कब हुआ। तब सब कमांडर कहता है, 2 दिन पहले, और हमें बहुत जल्द ही इसके बारे में कुछ करना होगा, हम वहाँ पर पैराशूट नहीं भेज सकते और तुम हाइड्रा के लिए एक सिटिंग डक हो। तब डेडपूल कहता है, और तुम्हें लगता है कि मैं स्पेशली क्वालिफाइड हूँ इस हार्ड लैंडिंग के लिए। जिस पर कमांडर कहता है, ऐसा तो नहीं है, लेकिन लैंडिंग स्पीड तुम्हें फास्ट बना सकती है हाइड्रा के डिफेंसिव पैरामीटर से। तब
वो कहता है, मैं वापस कैसे आऊँगा? जिस पर सब कमांडर कहता है, एक बार हमारे ऑपरेटिव्स ने डाटा कलेक्ट कर लिया तो वो बाकी बचे डाटा के साथ वहाँ से निकल जाएंगे, और जैसा कि मैंने कहा, ये सिर्फ इंसर्ट और ग्रैब है। तब डेडपूल कहता है, ये कुछ भी बेसिक नहीं है। एटमॉस्फेयर में जलते हुए जाकर अर्थ से टकराना, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए 1 मिलियन काफ़ी नहीं होंगे, इसके लिए मैं 2 मिलियन लूँगा। 1 मिलियन इंसर्ट करने के लिए और 1 मिलियन ग्रैब करने के लिए, हो गए 2 मिलियन। तब कमांडर कहता है, ठीक है, रेडी हो जाओ। तब डेडपूल अपना सामान लेकर कहता है, जब मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला मैं अपना पैकेज लेकर यहाँ आ गया तुम्हारे जंगल में। जिस पर अपना हथियार रेडी कर कजार कहता है, इसीलिए मुझे डिस्टर्बेंस फील हुआ जंगल में, और जानवर भी इस तरह अजीब बर्ताव कर रहे थे, तो बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तब डेडपूल उसके साथ मजाक करने लगता है, और अपना पूरा कॉस्ट्यूम पहन लेने के बाद कजर उसे घूरने लगता है, जिस पर वो कहता है, अब मैंने क्या किया? जिस पर दूसरी तरफ भागते हुए वो कहता है, चलो मेरे साथ, तुम्हें कुछ दिखाना है। तब डेडपूल कहता है, क्या है वो? तब कजर कहता है, अच्छा होगा अगर तुम खुद ही देख लो। जिस पर डेडपूल मजाक करते हुए कहता है, तुम मुझे बेलों पर से तो नहीं ले जाने वाले? जिस पर कजर कहता है, हो सकता है। तब एक जगह जाकर कजर उसे एक मूर्ति दिखाता है, जिसे देखकर डेडपूल कहता है, ऐसा लगता है ये 10,000 BC से यहाँ पर है। जिस पर कजर कहता है, ये सेवेज लैंड के केवमैंस ने बनाई है, और तुम्हें दूसरी जगह से बेटर लुक मिलेगा। तब उसे देखकर शॉक होकर डेडपूल कहता है, ये तो मैं हूँ। कजर उससे आगे कहता है, जब तुमने अपना आउटफिट पहना तो मुझे तुम इस जैसे लगे, और अब मैं तुम्हें यही छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन जंगल में बहुत सारे खतरे है, और तुमने कहा है कि हाइड्रा यहाँ पर आ चुका है, तो मुझे जाना होगा। लेकिन याद रखना, ये सेवेज लैंड है, यहाँ पर हर मोड़ पर खतरा है। तब उसका मजाक उड़ाते हुए डेडपूल कहता है, ब्ला ब्ला डायनासोर्स, क्यूमैंस और बाकी कुछ, मुझे सब पता है। तब वो कहता है, क्या कहा तुमने? जिस पर डेडपूल कहता है, कुछ नहीं, मैं तो कह रहा था गुड लक, शायद हम फिर मिल जाए। तब जाते हुए कजार कहता है, अलविदा मेरे दोस्त। डेडपूल उस जगह की तरफ बढ़ते हुए सोचने लगता है, शायद वो हमें गॉड समझते हैं। जिस पर वो आवाज़ कहती है, शायद हम है भी। तब वो अपने ख्याली पुलाव पकाने लगता है, और वहाँ पर निगरानी करने वाले लोगों को देखकर कहता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये सब फिट कहाँ पर बैठता है? तब वो आवाज़ कहती है, शायद तुम्हारे पीछे कोई है, और कोई उसके पीठ पर हाथ रखता है। तब डेडपूल उठकर उसे पीछे ढके देता है। तब डेडपूल कहता है, क्या मैंने अभी अभी एक लड़की को मारा? उसे उठाते हुए वो कहता है, माफ़ करना, लेकिन तुम्हें ऐसे एक मैड निंजा स्किल वाले आदमी के पीठ पर ऐसे हाथ नहीं रखना चाहिए। तब वो लड़की कहती है, मेरा ये मतलब नहीं था, मुझे माफ़ करना। उसे देखकर डेडपूल अपने रोमांटिक ख्यालों में खो जाता है, लेकिन उसे इंटरप्ट करके वो कहती है, तुम्हारी तलवार मुझे चुभ रही है पसलियों में। वो पूछता है, तुम कौन हो? तब वो बताती है, मैं बेटी स्वैनसन हूँ, तुम्हारा एम का कॉन्टैक्ट। मैं यहाँ पर अपनी टीम के साथ आई थी, और मुझे कहा गया था कि अपना पैकेज पैक करके रखना तुम्हारे साथ जाने के लिए, लेकिन इससे पहले वो हेड हंटर वहाँ पर आ गए। तब डेडपूल कहता है, क्या इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ? तब वो उसे अपने हाइडआउट पर ले जाती है, और तब वो उसे बताती है कि मुझे सैंपल कलेक्ट करना है इससे पहले कि तुम वहाँ पर सबको अपने कब्जे में ले लो। तब वो सोचता है कि वो हमारे साथ आ रही है। तब वो बताता है कि मेरे पास एक प्लान है, और वो प्लान इतना अच्छा है कि तुम मेरे क्लेवरनेस पर खुश हो जाओगी। और उसके हाथ से रिवॉल्वर लेते हुए कहता है, ये रिवॉल्वर मुझे चाहिए, और ये इतना कॉम्प्लेक्स है कि तुम इसे समझ नहीं पाओगी, तो पूछना भी मत। तब डेडपूल उन हेड हंटर्स को मार तो देता है, लेकिन उनके बाकी की टोली के सामने वो कुछ नहीं कर पाता, और वो उसे ले जाते हैं अपनी गुफा में, जहाँ पर वो देखता है जॉम्बी डेडपूल का सर, और वो उसे कहता है, अच्छा हुआ कि तुम मेरे लिए एक हैंडसम बॉडी ले आए। तब डॉक्टर बेटी कहती है, और इसीलिए मैं तुम्हारे आने से पहले इसे बॉक्स में बंद कर देना चाहती थी। तब डेडपूल फोर्थ स्क्रीन तोड़ते हुए कहता है, कहानी अभी जारी है। तब वो आवाज़ कहती है, तुम्हें अगर फटके नहीं खाने तो तुम्हें कहानी जारी रखनी ही होगी।